खुद को ऊंची पहुंच का हवाला देकर यमुनानगर के भोले भाले लोगों को शिवसेना की वर्कर बताकर सरकारी ग्राउंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने की आरोपी को पुलिस ने रेणु कादियान नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो कि काफी लंबे समय से फरार चल रही थी और पुलिस को इसकी तलाश थी, क्योंकि गरीब लोगों को लाडली स्कीम के तहत फॉर्म भरवाने, विधवा पेंशन, मकान के लोन दिलवाने, नौकरी लगवाने के नाम पर अब तक 15 से 20 लोगों से ये ठगी कर चुकी है। एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी, रेणु कादियान है, इलाहाबाद प्रतापपुर की रहने वाली। उसके खिलाफ ये चार्ज थे कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे दिए हैं। तो इसमें पहले हमारी प्राथमिक जांच हुई थी, तो उसमें फैक्ट पाए गए थे सस्पेक्टेड, तो इसमें हमने मुकदमे की रिकमेंडेशन कर दी है। तो कल ही उस रिकमेंडेशन पर मुकदमा दर्ज हुआ है थाना बिलासपुर में। तो शाम को हमने रेड करी इसके घर पर और उसको अरेस्ट कर लिया। इसमें ये जो बेसिक सी बात है वो ये था कि इसमें दो मुकदमे पहले भी करादौर में और बिलासपुर में पहले भी दर्ज हो रखे हैं, जो हमारे DSP रजत गुलिया जी हैं उनके पास वो दो मुकदमे अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। और एक मुकदमा बिलासपुर कल दर्ज हुआ, उसमें हमने इसको अरेस्ट कर लिया है। ये जो दो मुकदमे इसके पहले दर्ज हुए हैं, जो डिप्टी गुलिया सर जो हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें ये बेल पे हाईकोर्ट से चल रही थी, लेकिन वहाँ पर ये बहाने बनाती रहती थी कि बीमार हूँ, ये है वो, वहाँ भी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो ये फरार ही चल रही थी। अगर हम मान के चले तो ये फरार ही चल रही का ज़्यादा 420 का ही है। और गरीब लोगों को जैसे लाडली स्कीम है उसमें फार्म भरवाने, विधवा पेंशन के, मकान के लोन दिलवाने, नौकरी लगवाने का, इसके सभी मुकदमे इसी तरह के फ्रॉड, कुछ छोटी अमाउंट से लेकर बड़ी अमाउंट तक है, मिनिमम 4 लाख से स्टार्ट है। अभी तो करीब करीब 15-20 लोग तो सामने आ रहे हैं, महिलाएं ही हैं इनका टारगेट। आई कार्ड भी मिला है, तो ये शिवसेना का जो है आई कार्ड मिला है उसमें ये नंबर है। कौन सी शिवसेना? शिवसेना जगाधरी में, अभी पूछताछ चल रही है उससे, अभी डिटेल अभी आने वाली। इससे हम आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और कोशिश रहेगी कि रिमांड में हम इसको लेके आए, तो हो सकता है कुछ सफेदपोश लोग भी सामने आए। नेटवर्क का भी जो प्राथमिक जांच हमारी हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें करीब करीब 8 से 10 लोगों का भी नाम आया। कुछ फाइनेंशियल टाइप हैं और कुछ शॉपकीपर हैं जो दुकानदार हैं, और कुछ समाज से जुड़े लोग हैं जो जैसे गांव की औरतों के जो विश्वास होता है उनके ऊपर, कुछ इस टाइप के लोग हैं। चंबुल में क्योंकि हम ये नहीं मानते चल सकते हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन का है, लेकिन गाँव में जो है वो फोन अवेलेबल नहीं है औरतों के, और अगर हैं भी हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो तभी ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं। तरीका ये था कि गांव गांव जाते थे, मेंबर जोड़ते थे, उनको बताते थे कि कुछ रिकॉर्ड लेके कि हम नौकरी लगवा दिए हैं या हमने बुढ़ापा पेंशन लगवा दी है, और कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते थे, जिससे वो सामने वाले पे विश्वास हो जाता था। तो गाँव के जो भोले भाले लोग हैं, कच्चे मकान की छतों को पक्के कराने के बाद जो ग्रांटें मिलती हैं DC साहब की तरफ से, कच्चे मकान को पक्के, छतें, कॉलोनियाँ, बाथरूम टाइप, ये सब पक्के कराने का, तो वो विश्वास में आ जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, छोटी छोटी ठगी करके काफ़ी लोगों को नहीं ठगा। ये शिवसेना से ही मेंबर बताते थे, शिवसेना के हम जो है। मेरा आम जनता से अपील है कि जो आपकी मेहनत की पूंजी है, गरीब आदमी के लिए छोटी सी अमाउंट ही बड़ी होती है, और ऐसे लोगों पे आप विश्वास ना करें। और DC साहब का दफ्तर बिल्कुल यमुनानगर में है, आपको किसी भी स्कीम के बारे में या किसी भी तरह के बारे में, आपको किसी भी जो स्कीम जो सरकार की चल रही है उसके बारे में पता करना है, तो DC महोदय के कार्यालय में सभी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं कर्मचारी, जो आपको बिल्कुल साफ साफ जानकारी देते हैं। चंबुल में क्योंकि हम ये नहीं मानते चल सकते हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन का है, लेकिन गांव में जो है वो फ़ोन अवेलेबल नहीं है औरतों के, और अगर हैं भी हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो तभी ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल YouTube चैनल अजीत वैब TV। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।